भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज का ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वो मैं हमारे बाबा साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। और पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने, जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहाँ जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है, और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारे सभी उपस्थित नेतागण है, नड्डा जी है, राजनाथ सिंह जी है, अमित भाई है, हमारे आदरणीय अजीत दादा जी है, वहाँ अभी सभी महानुभव है, एक्स सीएम है, वहाँ हमारे चंद्रा बाबू जी है, नीतीश कुमार जी है, और सभी मान्यवर और सभी इस सदन में उपस्थित फिर से सांसद स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूँगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। और लोकसभा के चुनाव में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है, और इसलिए उनको मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शिवसेना पार्टी की ओर से हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और सिर्फ इतना ही कहूँगा उनके लिए, मैं उन्हें चार पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और दस साल जो काम किया है उसके गवाह हम सब है, और इसलिए लोगों ने विकास को महत्व दिया है, और जो विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करते थे उनको उनके घर पे बिठा दिया है, और फिर एक बार तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक करेंगे, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं एनडीए के हमारे साथी और एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी से आग्रह करूंगा कि वे भी इसका अनुमोदन प्रस्ताव। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के
सभी उपस्थित नेतागण, नवनिर्वाचित एनडीए के सभी संसद सदस्य और मेरे साथी, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और जो नवनिर्वाचित संसद सदस्य बने हैं उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आज यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने और नितिन गडकरी साहब ने एक प्रस्ताव रखा है, वो उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते मैं पूर्ण विराम लेता हूं। जय हिंद। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता और माननीय श्री चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आए। मौजूद यहां पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप भी में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए, मैं चिराग पासवान जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। मैं एनडीए के हमारे साथी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें।